हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आप सभी को एक झूमर बनाना सिखाऊंगा, वो भी ये प्लास्टिक का झूमर है। आपको लगेगा जैसे ग्लास का ये झूमर है, शीशे का झूमर लगेगा। मैं आप सभी को बनाकर दिखाऊंगा, जैसे ये आपको लगेगा, रियली बता रहा हूँ मैं आपको कि ये जो झूमर मैं बना रहा हूँ, अगर आपको ये बनाकर दिखाया जाए तो आप कह ही नहीं सकते ये हमारा जो है ये प्लास्टिक का झूमर है। तो ये हमारा देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा जो है प्लास्टिक का, मैं आज आप सभी को झूमर बनाना सिखाऊंगा। अगर आपको ये झूमर बाय करना है, ख़रीदना है, तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल पे जरूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया गया है, तो डायरेक्टली आप बात करके इस झूमर को बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा जो है झूमर किस तरह से ये पूरा कम्प्लीट किया जा रहा, बनाया जा रहा है। तो ये हमारा जो है झूमर जो है 3 फीट में ये पूरा झूमर तैयार किया जाएगा। और ये हमारा देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा जो है प्लेट है, ये लोहे का प्लेट है, और ये हमारा जो है नट बोल्ट पे ये पूरी इसको टाइट किया जाता है, इसके अंदर जो है बोल्ट लगाया जा रहा है। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है ये इस तरह से इसको कसना है। कसने के लिए आपको क्या करना है, रिंच की भी ज़रूरत लग सकती है। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है 6 डंडी वाला ये हमारा जो है ये झूमर है, राउंड डंडी है, और ये हमारा जो है 6 डंडी वाला ये झूमर है। तो एक एक करके ऐसे आपको एक एक करके ये सारे कस लेने हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, हमने जो है ये तीसरा लगा चुका हूँ, और ये तीनों को कस दे रहा हूँ अच्छे से। ये तीनों अगर टाइट रहेंगे तो ये झूमर हमारे जो है हिलने वाले नहीं हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, किस तरह से इसको टाइट किया जा रहा है, किस तरह से इसको कसा जा रहा है। तो आप भी अगर चाहें तो इसी तरह से बना सकते हैं, इसी तरह से टाइट कर सकते हैं, इसी तरह से पूरा सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग करने का पूरा तरीका आइडिया मैं आप सभी को डिटेलिंग में दे रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, और मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। अगर आपको इस तरह का झूमर नहीं बनाने आता है तो इस वीडियो को देख कर आप ज़रूर सीख जाएंगे, ज़रूर समझ जाएंगे कि हमारा जो है झूमर कैसे बनेगा, कैसे तैयार होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये झूमर सीखना है, बनाना है, अगर आपको बाय भी करना है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये हमारी जो है 4थी डंडी हमारी जो है कसी जा रही हैं। और देख सकते हो दोस्तों, किस तरह से ये 4थी डंडी हमारी जो है कसी जा रही हैं, टाइट किया जा रहा है। देख सकते हो दोस्तों आपके सामने किस तरह से इसको अच्छे से टाइट किया जा रहा है। तो ये हमारा जो है ये 5वीं डंडी अब ये हमारी लग रही है, 5वीं डंडी। अब इसको भी हम इसको कसेंगे, देख सकते हो, टाइट करेंगे इसको अंदर से। ये हमारा जो है तार इसमें अंदर से ऑलरेडी पड़ा रहता है, अगर आप तार भी नहीं डाल पाते तो उसके लिए ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मैं आप सभी को तार भी डालकर अंदर ये हम दिखाएंगे, ये झूमर के डंडी के अंदर तार कैसे डाला जाता है, ये चीज़ सीखना है, ये चीज़ जानकारी लेना है। तो प्लीज़ तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा, तो मैं आप सभी को इसके बारे में भी डिटेल में बताऊँगा, मैं आप सभी को बताऊँगा। तो देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे जो है ये 5वां डंडी हमारी जो है कसी जा रही है, और ये अच्छे से इसको कसा जा रहा है। अब ये इसका जो है सेटअप मैं आप सभी को दिखाऊंगा, ऊपर का, ये नीचे का सेटअप है, अभी एक नीचे का सेटअप और है, उसके भी उसको भी दिखाऊंगा, उसको भी बताऊंगा। तो देख लो दोस्तों, ये हमारा जो है 6वां जो है हमारा जो है झूमर का डंडी लग रहा है, लास्ट डंडी लग रहा है ये, लास्ट डंडी। अभी देख सकते हो दोस्तों, इसको हम आपको कैसे कसेंगे, कैसे लगाएंगे, ये भी मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा जो है 6वां डंडी जो है हमारी कसी जा रही है, और मैं आप सभी को दिखा सकता हूँ दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों, ये इस तरह से ये पूरा टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा जो है अभी टाइट हो रहा है 6वीं डंडी। ये हमारी जो है 6वीं झूमर की 6वीं ये पूरी कम्प्लीट ये डंडी हमारी जो है, देख सकते हो दोस्तों किस तरह से ये कौन से रिंच से कसा जा रहा है, मैं ये भी मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। ये हमारे जो है ये 13 नंबर रिंच से ये पूरा कसा जा रहा है, ये 13 नंबर रिंच लगा है इसको कसने के लिए। और देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा जो है ये तैयार हो चुका है। अब इसको क्या करना है, अभी इसको वायरिंग के लिए हमको इसको तार को ज्वाइन करना है, वायरिंग करना है।
तो आपको ये तार छिला है तो ठीक है, नहीं तो आपको छिल कर इसको फिट कर देना है। तो देख सकते हो दोस्तों किस तरह से इसको छिलकर इसको ये एक एक करके छिलकर इसको टाइट करना है, पूरा सेटिंग करना है। तो ये देखिए दोस्तों किस तरह से इसको हम जो है इसको छिल रहे हैं। इसको अभी अगर ये छिला नहीं है, इसको जॉइंट रहता है, इसको छुड़ाना पड़ता है। फिर आपको क्या करना है, हर एक कलर को इसको जो है जैसे रेड रेड में, ब्लैक ब्लैक में तार मिलाकर इसको वायरिंग करना है। तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा, देख सकते हो दोस्तों ये हमारे जो है अब इसको हम इसमें अब तार को हम इसको एक एक करके छील कर इसको अलग अलग कलर अलग अलग में इसको ज्वाइंट हम करेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों ये हम जो है ब्लैक तार को छील रहे हैं और ब्लैक तार को फिर ब्लैक में जोड़ा जाएगा, रेड वाला रेड में जोड़ा जाएगा। तो दो तार आपका नहीं छिला गया, उसको आपको छिल कर आपको इस तरह से ये ज्वाइंट कर लेना है। तो देख सकते हो दोस्तों किस तरह से ये पूरा अच्छे से इसको छिलना है। और ये हमारा जो है पीछे पतंग वाला भी बन रहा है, देख सकते हो दोस्तों। और ये हमारा जो है पान का पत्ता वाला भी बन रहा है। तो अलग अलग डिजाइन के झूमर हमारे पास जो है मिल जाएंगे आपको। जिस डिजाइन का आपको झूमर चाहिए तो उसी डिजाइन का आपको हमारे पास झूमर मिल सकता है। झूमर से रिलेटेड कोई भी सामान अगर आपको लेना है, बाय करना है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल पर जरूर से ज़रूर कमेंट करिएगा और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। और ये दोस्तों हम इसको जो है वायरिंग कर दिए हैं। अब इसको जो है तार को हम देख सकते हो दोस्तों किस तरह से वायरिंग कर चुके हैं और मतलब कर रहे हैं। और इस पर हम टेपिंग करेंगे तो देख सकते हो दोस्तों ये हमारे जो है ये हमारा अब टेप मारना, इसमें टेप मार के मैं आप सभी को दिखा दूँ। देख सकते हो ये हमारा जो है ये तैयार हो चुका है, टेपिंग भी हो चुकी है। अब मैं आप सभी को उसका सेटअप बैठा कर दिखाऊँगा बनाकर। ये देखिए दोस्तों ये पहले नीचे वाला चाहिए हमारा जो है ये वायरिंग हो चुका है और इसमें तार भी लग चुके हैं। और ये देख सकते हो ये हमारे जो है ये अब इसको हम पलटेंगे, पलटने के बाद देख सकते हो दोस्तों ये हमारे जो है अब मैं आप सभी को इसको इसके बारे में बताऊंगा पहले कौन सा क्या लगता है झूमर में। तो मैं आप सभी को अगर आप ऐसे ही वीडियो पे बने रहें तो ज़रूर जानेंगे, ज़रूर सीखेंगे। ये हमारे जो है ये देख सकते हो दोस्तों उसके कसने के बाद ये ऊपर जो झूमर की डंडी है जो राउंड राउंड में लोहे में लगा है, गोल्डन कलर में राउंड में गोल में लगा है, तो वहाँ से आप इसको चाहें तो राउंड भी कर सकते हैं। देख सकते हो दोस्तों ये हमारा जो है राउंड भी कर सकते हैं। इसको देखिए दोस्तों ऐसे डंडी को घुमा सकते हैं ऊपर करके, ये ऊपर देखिए दोस्तों ये ऊपर आ गया है। अब इसको अंदर करके ऐसे ऊपर करके भी घुमा सकते हैं, अंदर करके आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो ये अगर आपको इसको घुमाना है मतलब अपने इसको सिधाई पे लाना है, इसको अपने लेवल पे लाना है, तो इसको वहाँ से आप ऊपर करके इसको घुमा कर उसको वहाँ पे टाइट करके अंदर रख सकते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों ये हमारा जो है ये हमारी जो है झूमर सही जगह पे सही स्थान पे ये हमारी जो है लग रही है। अब इसमें क्या करना है हमको, मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। ये हमारा जो है ये पूरा 6 डंडी का ये हमारा झूमर जो है ये आधा भी कंप्लीट हुआ है, पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। तो मैं आप सभी को पहले मैं आप सभी को दिखा दूं कि कैसे ये कौन सा सामान पहले लगकर ये पूरा कंप्लीट हुआ था और इसको कैसे पूरा कंप्लीट किया जाता है। और ये देखिए दोस्तों ये हमारा जो है ये पूरी झूमर की जो है ये साइज मैं आप सभी को भी बताऊँगा। साइज तो मैं बता दिया हूँ, अगर आपको साइज और भी बड़ा लेना है तो वह भी ले सकते हैं। देख सकते हो ये हमारा जो है छोटा ये वाला जो है ये अब यहाँ पे ये पहले सेट होगा, फिर उसके बाद मैं आप सभी को ये अलग अलग पॉइंट में आता है, अलग अलग पार्ट में आता है। तो हमने इसको पहले क्या है जोड़ दिया है इसको अच्छे से और देख सकते हो दोस्तों ये हमारा जो है उसके बाद में ये देखिए दोस्तों ये हमारा जो है अलग अलग पार्ट में ऐसे आता है, हमने इसको जोड़ कर उसको इस तरह से बनाया है। तो देख सकते हो दोस्तों कैसे जोड़ना है, तो मैं आप सभी को दिखा दूँ। देखिए दोस्तों इसमें जो है अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा, इसमें बना नहीं है, इसमें इसकी जो है डंडी बनी नहीं है डंडी। देख सकते हो दोस्तों ये हमारा जो है इसका जो है ये उभरा उभरा डंडी छोटा छोटा ये इसी माध्यम से ये पूरा बैठेगा,
सेट होगा, तो देख सकते हो किस तरह से ये सेट करना है और कैसे इसको सेट करना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे जो है यहाँ पे जो है ये पूरी बड़ी वाली ये है, इसकी भी सेटिंग आप देख सकते हो दोस्तों किस तरह से इसकी भी सेटिंग करनी है। तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा इसको भी बड़ा वाला बड़ी वाली, ये है सारा प्लास्टिक का है ये। अगर आपको मैं बनाकर दिखा दूं तो आप कह ही नहीं सकते ये शीशे का झूमर नहीं है, ये टोटल ये प्लास्टिक है। ये गिरने से भी कोई दिक्कत नहीं होता, ये मजबूत प्लास्टिक है, ये टूटने वाला नहीं है। तो देख सकते दोस्तों ये हमारी जो है बड़ी वाली ये है, ये हम इसको अब पहनाएंगे। मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ इसको अच्छे से पहनाएंगे, कैसे इसको फिटिंग कर किया जाता है। तो मैं आप सभी को फिटिंग करके दिखाऊंगा। तो फिटिंग करना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान काम है। देख सकते हो दोस्तों इसमें कांटे बने रहते हैं, एक में बने रहते हैं, एक में नहीं बने रहते हैं। तो इस तरह की इसको आपको ऐसे करके आपको फिटिंग कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। देख सकते हो दोस्तों किस तरह से पूरा अच्छे से फिटिंग किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो मैं आप सभी को दिखा सकता हूँ, देख सकते हो दोस्तों ये हमारा जो है बराबर में आ गया है और ये इस तरह से ये पूरा बंद होगा। ये हमारा जो है झूमर ये बंद हो गया, ये फ्रंट से बंद हो जाएगा। ऐसे आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे ये झूमर में हमारे जो है झूमर के पार्ट में कहीं भी ये हमारा जो है कहीं से भी जॉइंट है, और ये आपको एकदम क्लीन अच्छे से लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपका झूमर जो है जॉइंटेड है और कहीं से ये इसको जोड़ा गया है। तो देख सकते हो तो ये हमारे जो है ये ऐसे ही आपको जॉइंट कर लेना है। ये अलग अलग सारे पॉट्स आते हैं, सारे अलग अलग छोटे छोटे पॉट इसी तरह से आते हैं, आपको ऐसे ही जॉइंट करके आपको झूमर बना लेना है, तैयार कर लेना है। तो देख सकते हो तो ये हमारे जो है थोड़ी सी गैपिंग है, इसको भी हम जो है सही कर देंगे। तो देख सकते हो तो किस तरह से ये सही हो रहा है, कैसे इसको बैठा दिया जा रहा है, ये पूरा ऐसी तरह से बैठ जाएगा, बराबर से दिखेगा भी नहीं कहीं से। देख सकते हो दोस्तों आपको ये ग्लास ही लगेगा, प्लास्टिक तो लगेगा ही नहीं, इस तरह से इसको जो है ये डिजाइन किया गया, बनाया गया है। तो ये बिल्कुल आपको ये शीशे का ही लगेगा। तो ये तैयार होने के बाद किस तरह से लगता है और इसकी लाइटिंग कैसे लगती है, अगर आपको ये लाइटिंग वाली वीडियो चाहिए, यह लाइटिंग में कैसे कहाँ पर लगता है, तो मैं आप सभी को दिखाऊँगा। और ये देखिए दोस्तों ये हमारा जो है पूरी तरीके से ये हमारा जो है अब ये बन चुका है। अब हम इसकी फिटिंग करने की बारी अब आती है, तो मैं आप सभी को इसका फिटिंग करके मैं आप सभी को दिखाऊंगा। ये हमारा जो है ये बन चुका है, अब ये हमारा जो है कुछ हमारे जो है नट बोल्ट ये तावे हैं, इसके अंदर नीचे जो लगा है, जो मैं अभी नीचे कसा हूँ तो आप सब देखे ही हैं जिसपे मैं इसको कसा हूँ। और ये दोस्तों ये हमारा जो है तावा था, और ये हमारी कटोरी जो है ये ऊपर नीचे दोनों जगह लगेगी। तो मैं आपसे को ये लगाकर सेटिंग कर दिखाऊंगा। और ये हमारा जो है कटोरी था, ये ऊपर नीचे दोनों जगह लगने वाली है। और ये हमारी जो है सरिया है, ये हमारी जो है ये इसमें जो है ये बनाया गया है, ये हमारी जो है झूमर के अंदर ये लगेगी, ये पूरी कसाएगी। तो देख सकते हो दोस्तों ये हमारा जो है इस तरह से ये टाइट किया जाएगा, और ये हमारा जो है टाइट किया जा रहा है। देख सकते हो दोस्तों किस तरह से ये बैठा कर एक नीचे में आपसे को बोला हूँ कटोरी लगेगा, ये नीचे कटोरी लगा है, फिर उसके बाद छोटा सा नीचे फिन लगा, फिर उसके बाद बड़ा वाला लगा है। और ये हमारा देख सकते हो दोस्तों ये हमारी ये झूमर जो है तैयार हो चुकी है। अब मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ दोस्तों ये हमारा जो है झूमर किस तरह से ये पूरी अच्छे से तैयार हो चुकी है। ये अगर आपका झूमर भी टूट जाता है तो कैसे उसको फैलाएंगे ये भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों ये हमारा जो है ये हमारा जो है झूमर किस तरह से ये पूरा उसका लुक लग रहा है। ये देखिए दोस्तों ये हमारा जो है पूरी झूमर ये तैयार हो चुकी है। ये आपको इसमें अब कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इसमें बल्ब लगा देना है, बल्ब लगा देंगे तो ये हमारा जो है तैयार हो जाएगा झूमर। अब इसको ये आप लाइट में लगा सकते हैं, लाइट में लगाने के बाद इसमें जो है आप करंट डाल दें, ये पूरा अच्छे से जलने लगेगा। और ये तो ये झूमर की खूबसूरती क्वालिटी
आप देख ही सकते हैं आप खुद ही। तो प्लीज़ तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ तो इतना तो कर ही सकते हैं, इतना मेहनत करके ये सारी वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाता हूँ डिटेलिंग वाले, ये हमारी ये है सिखाता हूँ। तो आप इतना तो छोटा सा काम कर ही सकते हैं चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है मेरी चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ तो मेरी वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कर लें। तो देख सकते हो तो ये हमारी जो झूमर जो है ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब ये इसमें जो है हमको बल्ब लगाना है, करंट डालना है, तो ये हमारा जो है अच्छे क्वालिटी से ये जरेगा, ये पूरी अच्छे से तैयार हो चुका है। तो देख सकते हो उसको कि हमारा जो है अब इसमें जो है इसका जो है जो इसकी जो है सेटिंग जो है कभी कभी फूल जाती है, छोटे वाले की जो है फूल जाती है। तो इसको क्या करना है आप टेपिंग कर सकते हैं, वाइट वाला टेप लगा सकते हैं, तो आपको ये झूमर में पता भी नहीं चलेगा ये कैसे इसमें ये पूरा इसकी जो है सेटिंग। ये हमारी जो है झूमर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इसकी डंडी जो हमने जो है ये हम मिला दे रहे हैं, इसको बराबर में लेवल में ला दे रहे हैं। तो ये लेवल में ला देंगे, इसके बाद इसमें बल्ब लगाना है, वायरिंग करना है। तो अभी मैं आप सभी को इसको अगर आप मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं तो मैं आप सभी को इसको झूमर को चलाकर जलाकर दिखाऊंगा, और इसकी जो है मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाकर दिखाऊंगा अगर आप ढेर सारा मेरे पे कमेंट करते हैं। तो अभी के लिए उसको बाय एंजॉय माय वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो देख लो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए उसको गुड बाय।